तेलंगाना दक्कन न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। बढ़ते हैं खबर की जानिब। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों महांकाली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि सीएम केसीआर ने पुलिस के महकमे को तवक्कात से ज़्यादा ताकतवर बनाया है। ट्रैफिक के निज़ाम को ऑटोमेटिव सिग्नल्स के बाद अच्छे नतायज बरामद हो रहे हैं। ख़ास तौर पर त्यौहार के मौका पर कुछ ट्रैफिक का बहाव बढ़ जाता है, मगर इससे भी बेहतर अंदाज में देखा जा रहा है। और सिटी पुलिस मुख्तलिफ मजाहब के त्यौहार के मौक़ों पर अच्छा काम कर रही है। शी टीम के भी अच्छे नतायज सामने आने की तल्ला दी। इस मौके पर उनके हमरा रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव, एमएलसी सुरभि वानी देवी, पुलिस हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन चेयरमैन कोलटी दामोदर गुप्ता, शहर हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार व दीगर कायदीन मौजूद थे। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन। उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बजट दिया, कहीं कभी भी इससे पहले ऐसा बजट नहीं मिलता था। हमारे जो सिटी के पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन है वहाँ को 75,000 रुपए पर मंथ अलाउ दिया जा रहा है, सिटी के अतराफ में 50,000 रुपए, विलेज के अंदर 25,000 रुपए, ताकि पुलिस स्टेशन का मेंटेनेंस वहाँ किसी को लाया जाए। पहले उन्हें एक टाइम का खाना नहीं खिला सकते थे, आज हमेशा उन्हें अच्छे से अच्छे विजा दी जा रही है, चाय पिलाया जा रहा है, बात किया जा रहा है। अगर पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट करने के जाते हैं तो ऐसा दिखता है कि जैसा नए पुलिस स्टेशन बने 5 स्टार की था, रिसेप्शन पे उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको अप्लीकेशन लिख के लाने की जरूरत नहीं है। साबेखा में कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाना है तो बहुत डरता था, अरे अंदर जाने के लिए एक लीडर की जरूरत होती थी। मैं बहुत पहले देखता था मूवमेंट के अंदर, क्योंकि मैं चादर घाट के करीब रहता हूँ, जब चादर घाट से गुजरता था मैं ब्रिज के पास तो 50-50, 100-100 लोग बाहर रहते थे, कभी गाड़ी रोक के क्या बात है, तो नहीं हमें पुलिस स्टेशन में बुलाए, हमारे लीडर साहब आ रहे हैं। आज कोई लीडर की जरूरत नहीं है, पुलिस फ्रेंडली हो चुकी है। पुलिस स्टेशन पर पहुंचने पर उन्हें रिस्पेक्ट से बिठाया जा रहा है, उनका कंप्लेंट भी पुलिस स्टेशन में फिलअप किया जा रहा है। शायद ऐसा कहीं पर भी अरेंजमेंट नहीं है जैसा हमारे स्टेट के अंदर है, इसलिए मैं हमारे आने वाले सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से हमारे पुलिस अधिकारियों को और हमारे जो एडिशनल कमिश्नर है आज नहीं आ सके अंजन हमारे अनिल कुमार साहब, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ, और डीजीपी साहब कुछ मसरूफ होने की वजह से नहीं है, लेकिन उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। तमाम एडिशनल पुलिस ऑफिसर, तमाम पुलिस ऑफिसर को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस पुलिस स्टेशन के जितने भी अहदेदार हैं उनको मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। सीपी साहब को दे चुका हूँ और दामोदर साहब को भी दे चुका हूँ, से मुबारक। यकीनन जितना अच्छा पुलिस स्टेशन रहेगा आने वाले को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सबका पुलिस स्टेशन जो है उससे पहले भी बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे, तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने बहुत बड़े बड़े पुलिस स्टेशन बना रहे। कुछ दिन पहले चंद्रनकोटे का पुलिस स्टेशन का भी इनॉग्रेशन किया गया, काफ़ी बहुत बड़ा पुलिस स्टेशन 16,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया, तकरीबन 2,500 स्क्वायर फीट पर। तो यकीनन ये ट्रैफिक स्टेशन भी तकरीबन 4,000 स्क्वायर फीट पर बना हुआ है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से हमारे सीपी साहब को मुबारकबाद देता हूँ, एडिशनल सीपी साहब को, तमाम पुलिस अहदेदारों को, और हमारी मोहतरमा मानी देवी मैडम साहिबा जो हमारी एमएलसी है, हमारे अन्ना सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों भोटाल में बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से मैं तलासनी अन्ना को मुबारकबाद देता हूँ, हमारे कानपुर साहिबा को और हमारी एमएलसी साहबा को मुबारकबाद देते हुए आज जो फिर प्रोग्राम में शरीक हुए उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय, थैंक यू।